आप ठंडे दिल से सोचें। आप बिला वजह हसीना से खफा हो रही है। आप याद करें, आपने एक बार कहा था वो चंचल है, शोख है, नकचरी है, लेकिन बुरी नहीं है। मामा, आप हसीना को फेवर दे रही हैं? मुझे हैरानगी हो रही है इस बात पर। अगर आप मेरी नजर से देखें तो वो आपको ज्यादा सजावार नजर नहीं आएगी। वो दोनों एक ही गांव के, उनके ताल्लुकात की गहराई का आपको क्या इल्म? वैसे भी दूसरी बात यह है कि आप उनकी गलती पर अच्छी तरह से गुस्से का इजहार कर चुकी हैं। हमें नहीं लगता कि इसमें मजीद पेशरफ्त होनी चाहिए। लेकिन मामा, अगर हमने हसीना को नहीं रोका तो वो मजीद कुछ कर सकती है, उसका दिमाग और खराब हो जाएगा। वो घर की नौकरानी है, ये ना भूलें आप। उसे उसकी लिमिट बताना ये हमारी जिम्मेदारी। यही तो मैं कह रही हूँ मामा। नहीं, आप ये नहीं कह रही हैं मासूमा, आप बस अपने गुस्से में उसकी सलामती से खेल रही हैं। उसको गांव भिजवाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन अगर वहां उसके साथ कुछ गलत हो गया तो क्या उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं आप? ठीक है, जो आपका हुक्म। नहीं, मैं हुक्म नहीं दे रही हूँ मासूमा, मैं तो सिर्फ अपनी राय का इजहार कर रही हूँ। अगर आप चाहती हैं तो हम उसे गांव भेज देते। नहीं नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है, आप ठीक ही कह रहे हैं, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं। जनाब, आपका काम खत्म हो गया है तो खाना लगवा दूं? पहले भी काम खत्म तो नहीं हुआ, पर मैं सोच रहा हूँ बाकी का कल का। आप ये फाइल्स का डेटा लैपटॉप में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ 20 साल बाद बिलाल जो पड़ा हो और उसको कोई भी डेटा चाहिए हो तो उसे आसानी मिले, तो प्रॉब्लम। आई सी। आप ऐसा करें, ये फाइल ले जाके मेरी कबर में रख, बाकी काम कल कर। ठीक है। ना तू तू यहाँ क्या कर रही है? देख ले, तुझे ढूंढते ढूंढते हसीना यहाँ भी आ गई। पर अब भाग रहा था ना मुझसे। देख फराज, तू चाहे जो मर्जी कह ले मुझे, मैं सारी जिंदगी तेरी बातें सुनूंगी। फराज, तू मुझसे ब्याह कर ले, मैं कसम से बहुत प्यार करती हूँ। हाथ छोड़ मेरा। अस्सलाम वालेकुम सर।
अहमर साहब अंदर से एक फ्यूडल लॉर्ड है, वहां खुद को मुलाजिम ही समझकर काम करने में भलाई है। माजी की यादें भुला कर ही जाना पड़ेगा। और करो हसीना को जलील। मैंने फाइल रखी थी, कहां चली गई? अगर यहां रखी थी तो फिर उड़ के चली गई कहीं और। बहू बेगम याद करें, कहीं और तो नहीं रखी थी? नहीं, मैंने यही फाइल रखी थी, कहां जा सकती है? क्या हुआ है? मेरे साथ की फाइल खो गई। देखिए आपने वहां कहां देख रही हो, मैंने यहां रखी थी। साहब जी आपकी फाइल मिल गई। ये है आपके काम, आप चीज रखती कहीं और है, ढूंढती कहीं और है, वो मिलती कहीं और से। अगर आपके कहने पे चलते हैं तो कभी ना मिलती है फाइल। शुक्रिया। मैंने यही रखी थी कि हर चीज गायब हो जाती। चल मिल तो कहीं ना, परेशान मत हो। आप चीज रखती कहीं और है, ढूंढती कहीं और है, और मिलती कहीं और से। अगर आपके कहने पे चलते हैं तो कभी ना मिलती है। फिलहाल क्या करते हो, आराम से खड़े हो, बहुत टाइम हो गया ऑलरेडी। अरे बाबा वॉक करके आने वाले होंगे, जूस बनाना है मुझे। बाकी काम खुद कर लेना, लंच बॉक्स बैग में रख दो, आराम से खड़े हो जाओ। लंच बॉक्स बैग में रख दो, उसके बाद भी ब्रश कर लेना। मेरे लंच में क्या है? तो सियानी बुआ भी ना ये रोज तुझे कटलेट बना के दे देती है। तेरे मुंह का जायका नहीं खराब होता रोज रोज एक ही चीज खा के? मम्मा को बोलता हूँ, नहीं सुनती वो।